जीभ के पीछे के हिस्से में कैंसर होता है, हमारा जो खाने की नली के ऊपर के हिस्से में कैंसर होता है, हमारे स्वर यंत्र में जो कैंसर होता है, जो कोई जीभ के पीछे के हिस्से में लाइला छाला होता है। कान का दर्द कारण और निवारण, यस दोस्तों, ईयर पेन मैनेजमेंट एंड कॉजेज बात करते हैं वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाले ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मिलता रहे। दोस्तों माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर। दोस्तों उम्र के किसी ना किसी पड़ाव में, फैमिली में, घर में कहीं ना कहीं देखा होगा ईयर पेन। कभी ना कभी हो सकता है, बच्चे हो, बड़े हो, बुढ़े हो, कभी ना कभी होता है। सो दोस्तों बात करते हैं डिटेल में, क्या है ईयर पेन एंड इसका क्या कारण है, क्या इसका निवारण है। ईयर पेन दोस्तों कान के अंदर अननेसेसरी दर्द होना, ईयर पेन। अब ईयर पेन अगर किसी को दोस्तों होता है तो जब पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है तो उसमें कुछ कारण होते हैं, बट वो कारण अकॉर्डिंग टू एज तुरंत जो है डॉक्टर के दिमाग में आते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले तो जो हमारे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको अगर कान में दर्द होता है तो दोस्तों उनको वो क्या कारण है, जो उन कारण में से अगर कोई है हमें तो तुरंत क्या है ये वार्निंग साइन है कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों अगर आपके बच्चे को कान के अंदर बार बार दर्द होता है, अगर बच्चा छोटा है, बिल्कुल न्यूबॉर्न है, 2 साल का है, वो समझता नहीं है, वो बोल नहीं पा रहा है, तो वो आपके कान को यूं यूं बिल्कुल बच्चा जो है कान को बार बार यूं करेगा, इट इंडिकेट कि समथिंग इज द ईयर प्रॉब्लम। ओके, सो दूसरा अगर मान लो बच्चा 5 साल का है, 4 साल का है, तो दोस्तों वो आपको बता देगा मम्मा पापा मेरे कान में दर्द हो रहा है। तो उसका जो कारण है उसके साथ में हो सकता है जुखाम के कारण उसको कान में दर्द होता है। बट दोस्तों जुखाम बहुत बच्चों को होती है, यूजुअली कान में ऐसे दर्द नहीं होता। अगर वो बच्चे अगर रात को सोते टाइम माउथ ब्रीदिंग करते हैं तो ये आपके लिए एक वार्निंग साइन है। मतलब वो जो बच्चे हैं उनको मुंह से सांस आता है, घर घर की आवाज आती है, वो साउंड अगर उनको होता है, नाक बंद रहता है, मुंह से सलाइवा ड्रूलिंग हो रहा है, दांत उबड़ खाबड़ हो रखे हैं, तो ये चीज है और बच्चे को कान में दर्द हो रहा है तो तुरंत हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो एडिनोइड और टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो सकती है जो आपका कान खराब कर रहा है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम और बड़े आते हैं, अगर यंग एज में कान के अंदर जो है वो पेन होता है, सो दोस्तों उसमें क्या है खान पान से रिलेटेड भी हो सकता है। बहुत बार क्या है कि बहुत ज्यादा चिल्ड चीजें लेने के कारण जो है वो नोज के अंदर एलर्जिक राइनाइटिस होती है या साइनसाइटिस होती है, उसके कारण भी कान में दर्द होता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि जब फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे हम ईयरबड पेन पेंसिल जो यूज में लेते हैं उसके कारण उस टाइम पे हमें खुजली तो ठीक हो जाती है लेकिन कान के अंदर हिमेटोमा बन जाता है। यस दोस्तों कान के अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, पर्दे में चोट लग जाती है, कान की जो कैनाल में चोट लग जाती है, उसके कारण भी हमें ईयर पेन होता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि जाने अनजाने में ट्रॉमा, आपने कभी सोचा भी नहीं कि एक सिंपल एक गुस्से में आके किसी को अपन थप्पड़ मार दिया, स्कूल में टीचर मार देता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है या दोस्तों में कई बार जाने अनजाने में हो जाता है। दोस्तों हमारा जो कान का पर्दा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं झेल पाता तो जैसे ही चोट लगती है उसमें छेद हो जाती है, उसके कारण भी कान के अंदर दोस्तों दर्द स्टार्ट हो जाता है। एंड आपको बिल्कुल जैसे नोज ब्लॉक करेंगे तो हमें कान से एयर लीक करेगी, ये एक वार्निंग साइन है, तुरंत हमें डॉक्टर को दिखा के कंसल्ट करना चाहिए। बहुत बार क्या है कि जो क्रोनिक जो दोस्तों जो पेशेंट जिनको नेजल एलर्जी रहती है, नाक बंद रहता है, नाक में कोई मास बना हुआ है, उसके कारण भी कान में दर्द हो सकता है दोस्तों। अब अगर दोस्तों और उम्र में ऊपर चलते हैं, जो हमारे अडल्ट हैं जो 45-50 साल के हैं उनको अगर कान में दर्द होता है तो दोस्तों उनसे भी एसोसिएटेड सिम्टम्स जैसे कुछ कॉमन रीजन तो कान के अंदर जो देखा हमने वही हो सकते हैं। बट दोस्तों अगर कान में दर्द है, एक तरफ के कान में दर्द है, लंबे समय तक कान में दर्द है और उसके साथ में आपके कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, वो क्या, कान का बजना, कान के अंदर सही सही का आवाज आना, खाना खाते टाइम में भी दर्द होता है, ठीक है ना दोस्तों, आपकी आवाज के अंदर चेंजेज है, दोस्तों ये कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। हमारे जीभ के पीछे के हिस्से में कैंसर होता है, हमारा जो खाने की नली के ऊपर के हिस्से में कैंसर होता है, हमारे स्वर यंत्र में जो कैंसर होता है,
जो कोई जीभ के पीछे के हिस्से में लाइलाज छाला होता है दोस्तों, ये ऐसी चीजें होती हैं जब हमें पता नहीं लगता, हमें दिखता नहीं है। एंड बहुत बार जाने अनजाने में जो कई बार डॉक्टर से भी मिस्टेक हो जाती है कि वो यूजुअली साधन सुविधाओं के अभाव में पता नहीं लगता, लेकिन अगर आपको कान दुखता है एंड आपकी जो मैंने बताया आवाज में भारीपन, खाने में दिक्कत है, कोई अल्सर है, तो आपको तुरंत वार्निंग साइन है कि डॉक्टर को दोस्तों दिखाना चाहिए। So, दोस्तों ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ईयर पेन के, जो हमें उसके साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स के वार्निंग साइन का पता लगा कि तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है दोस्तों हम अगर सही टाइम पे डॉक्टर के पास गए हैं तो उसका 100% इलाज हो सके, ऐसा नहीं हो कि वो बीमारी आगे जो है अपनी जो है जागरूकता नहीं होने के कारण लाइलाज हो जाए। So, देखा दोस्तों कितना महत्वपूर्ण है ये वीडियो, तुरंत अपने फ्रेंड्स कलीग एंड फैमिली मेंबर्स को शेयर करना चाहिए जिससे इसका मैक्सिमम हमें बेनिफिट हो सके। थैंक यू।